कुछ खबरें तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो पार्टी के भीतर ही रह जाती हैं। इन्हीं खबरों को कहते हैं चंडू खाने की खबरें। आइए जानते हैं आज चंडू खाने से क्या खबरें आई हैं। अरे भाई, अगर ये पार्टी चुनाव के बाद भी चलती रहे तो हमारे लिए अच्छा है, भले ही चंदा मिले या ना मिले, कम से कम 5 और 7 स्टार होटल रेस्टोरेंट का खाना तो नसीब हो सकेगा, नहीं तो हमारा क्या होगा जनाबे आली। दरअसल एक पार्टी के मुखिया आजकल चंदा के लिए पार्टियों में खूब खा भी रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को फ्री में खिला भी रहे हैं। उन्हें चंदा नहीं देना होता है। जब लंच या डिनर पार्टी होती है तो ऐसे लोग अपने मुखिया के साथ स्पेशल ड्यूटी भी लगाते हैं ताकि उन्हें स्वादिष्ट 56 भोग का खाना तो मिलेगा ही। अभी भी यही कहेंगे, लगे रहो। दिल्ली में इन दिनों कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को हार का डर इस कदर सता रहा है कि जहां वो कुछ समय पहले टिकट की जुगाड़ में कांग्रेस मुख्यालय के चक्कर पे चक्कर काटा करते थे, वो अब अपने बागियों के लिए टिकट मांग रहे हैं ताकि बागियों की नाराजगी दूर की जा सके, साथ ही अपनी दोबारा होने वाली किरकिरी से बचा जा सके। पिछले कुछ दिनों से टिकट की फिराक में बीजेपी के बड़के नेताओं के यहाँ चक्कर लगाने वाले एक नेताजी सियासी कोमे में जाते दिख रहे हैं। दरअसल विरोधी पार्टी की बिजली नेताजी पर कुछ इस कदर गिरी कि इनके टिकट का मीटर डाउन होता नजर आ रहा है। दरअसल ये नेताजी बीजेपी के एक बड़े नेता के खिलाफ लामबंदी कर अपनी दावेदारी पक्की कर रहे थे।